हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज बढ़ते हैं, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी का नाम है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इससे पहले मैंने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का वीडियो बनाया था और साथ साथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का वीडियो बनाया था। उन वीडियो बनाने के बाद शेयर तकरीबन डबल हो चुका है और इक्विटास भी काफ़ी अच्छा मूव किया है और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस भी। उसी तरह एक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी मुझे फाइनेंशियल कुछ ऐसी नज़र आते हुए दिख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो अगर हम सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की हिस्ट्री देखेंगे तो अभी प्रेजेंट में जो मार्च के रिजल्ट आ चुके हैं तो तकरीबन ये 6000 करोड़ का असेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब 6000 करोड़ से ऊपर इनका लोन डिसबर्स है। और कस्टमर बेस इनके पास 21.1 लाख कस्टमर है और डिपॉजिट क्रॉस इनके पास 5000 करोड़ का डिपॉजिट है। तो इनके पास एक अच्छी खासी जर्नी हुई है जब से ये बैंक लिस्ट हुआ है और काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। यहाँ पे लिखा भी है 6114 करोड़ का इनके पास ग्रॉस एडवांस है जो 20.7% से ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। डिस्बर्समेंट का भी दिया गया है 5083 करोड़ और 44.1% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। एंड अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 3.1% रह गया है जो -869 बेसिक पॉइंट से डाउन गया है। नेट एनपीए भी उतना ही है 1.5% और इसमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 746.6 है, 27.8% से ईयर ऑन ईयर ग्रो किया गया है। और ब्रांच नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, 577 से 565 जो फाइनेंशियल लास्ट में थी अभी 577 के पास ब्रांचेस हैं, तो ब्रांच भी ग्रो किया है, साथ साथ में एम्प्लॉय भी इनके बढ़े हुए हैं। एंड अब हम देखेंगे कंपनी में और क्या है। सो कंपनी का बिजनेस तो वही स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह भी, ये भी बैंक स्मॉल फाइनेंस लोन देती है और काफ़ी प्रोग्रेसिव तरीके से लोन देती है जिस तरह अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक भी देती है। तो मेरे हिसाब से स्मॉल फाइनेंस बैंक का काफ़ी अच्छा फ्यूचर है जहाँ तक हम इंडिया की बात करते हैं। और जैसे जैसे इंडिया अपने ग्रो कर रहा है वैसे वैसे ये बैंक भी ग्रो करेंगी डेफिनेटली। और इनका सबसे ज़्यादा जो फोकस है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेज जो है ना वो यहाँ पे दिया गया है। और अगर हम देखें ना तो ज़्यादातर 163 ब्रांचेज जो महाराष्ट्र में है इनके पास, और तमिलनाडु में भी अच्छी ब्रांचें हैं, उड़ीसा में भी है, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में भी इनके पास अच्छी ब्रांचें हैं, गुजरात एंड अदर स्टेट में भी है। तो इनका ब्रांच नेटवर्क दिया गया था कहाँ पर क्या है और क्या दिया है पॉइंट। इनका एएमयू 1232 करोड़ का है सिंस इंसेक्शन एंड विकास लोन शेयर 32% है। इनका विकास लोन पोर्टफोलियो है उसमें इनका दिखाया गया है, एवरेज टिकट साइज 70,000 रुपये का लोन है इनके एवरेज टिकट साइज अगर हम बात की जाए तो। और बाकी के पॉइंट दिए गए यहाँ पे, कलेक्शन पॉइंट क्या 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 कैसे। सो कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है और साथ साथ में अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट भी काफ़ी हाईली क्वालिफाइड एंड वेल क्वालिफाइड मैनेजमेंट। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो इसमें एक्स सिंडिकेट बैंक के MD और CMD ED लेवल के लोग काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के भी काफ़ी पुराने लोग काम कर रहे हैं और कुछ गवर्नमेंट में अच्छी खासी पोस्ट पर रहे हैं, IDB बैंक में, ICICI बैंक में, आपके HDFC बैंक में। तो मैनेजमेंट मुझे काफ़ी एक्सपर्ट लगता है बैंक को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और जो मैनेजमेंट है सारा बैंकिंग फाइनेंस से ही जुड़ा हुआ है और काफ़ी बड़ी बड़ी बैंकों में काम किया है। तो आई होप ये सब चीज़ें ऊपर बढ़ेंगी डेफिनेटली। JP Morgan, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और ये सारे बैंकों से रिलेटेड लोग ही इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं और लीड कर रहे हैं बैंक को आगे को ले जाने के लिए। एंड नाउ वी हैव अंडरस्टैंड दिस द बैंक का क्या बिजनेस है और बैंक के क्या लीडर पॉइंट है। नाउ हम बात करेंगे कंपनी में क्या क्या मूवमेंट नज़र आता है। कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 1411 करोड़ है, तकरीबन आज भी 4% 4.5% के ऊपर 5% के ऊपर अप ही रहा है। और जो 1414 करोड़ वाली कंपनी का अगर हम एक साल का नेट प्रॉफिट देखें ना तो तकरीबन 78 करोड़ इनका इस साल नेट प्रॉफिट आया है। तो 78 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, साथ साथ उनका ग्रॉस NPA और नेट NPA काफ़ी कम हो गए। ऐसा ही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी हुआ था। और ये सब चीज़ें स्टोरी प्ले आउट कर रही, क्योंकि जब कोविड के बाद सब बैंकों का पैसा आना बंद हो गया, कुछ बैड लोन हो गए तो इन सब की फाइनेंशियल स्थिति बिगड़ गई और उसके बाद सारी कंपनियां ये सब लॉस में चली गई। देखिए ना मार्च 2020 से दिस आर द मेन टाइम दैट कंपनी को कुछ सपोर्ट नहीं मिल पाया, शेयर का प्राइस भी डाउन हो गया। सो अब हम और बात करेंगे आगे। तो स्टॉक का करंट प्राइस जो है 133 रुपये है, ऑल टाइम जो 52 वीक का हाई वो 140 एंड 77 रुपये लो गया है। 77 ऑल टाइम हाई से भी अगर देख लिया जाए विद इन 1 ईयर शेयर डबल हो चुका है। और स्टॉक का P 18.2 है, बुक वैल्यू 142 है, बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इट इज
अभी भी खरीदने लायक है, बिकॉज अगर बुक वैल्यू कोई मिल जाए तो भी बेस्ट है। आरओसी 6.8 है, आरओई 5.16 है। बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में ये देखते नहीं, फेस वैल्यू 10 रुपये है। इंडस्ट्रीज का पी 12 पॉइंट है, उससे थोड़ा सा महंगा दिख रहा है बट मुझे नहीं दिख रहा है, आई विल टेल यू, बिकॉज जो शेयर बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है और जिसका नेट एनपी ग्रॉस एनपी काफी कुछ कम हो चुका है। पैग्रेसी 0.36 है, मतलब काफी ग्रोथ बची है इसमें, और ऑल टाइम हाई 296 है, तो ऑल टाइम हाई तक तो आने के बिल्कुल बिल्कुल चांसेस हैं यहाँ से। अब हम बात कर लेते हैं इसके और फाइनेंशियल के बारे में। तो हम देखें ना मार्च 2020 से लेकर मार्च 2023 की जर्नी, जो रेवेन्यू इज हाईएस्ट एवर दिख रहा है, 203 से बढ़ते बढ़ते अभी 339 करोड़ का इनके पास रेवेन्यू आया है। 329 करोड़ की जो रेवेन्यू आई है वो हाईएस्ट आई है। और अगर आप फाइनेंशियल प्रॉफिट देखें तो -48 से माइनस में ही था, और कंपनी नाउ जिन 16 करोड़ जो आया है वो मेरे हिसाब से यहाँ पर हाईएस्ट एवर ही अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, बिकॉज जब सितंबर में 25 करोड़ फाइनेंशियल प्रॉफिट था तब सितंबर की एक अलग कंडीशन थी, ज़्यादातर लोग रीस्ट्रक्चर हुए, सब कुछ हुए, बट अभी इनके पास रेवेन्यू हाईएस्ट है तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी मेरे हिसाब से हाईएस्ट एवर, सेकंड हाईएस्ट लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फाइनेंसिंग मार्जिन अभी प्लस में आ गए 5.5%, एंड डेप्रिसिएशन कुछ है नहीं है। अदर इनकम भी 34 करोड़ है, काफ़ी अच्छी है, अदर इनकम भी हाईएस्ट एवर है। नेट प्रॉफिटी की बात करें तो -15, -43, -48, माइनस, तो अभी हाईएस्ट एवर ही आई है 39 करोड़ की। और सबसे बड़ी बात है जो इनकी ईपीएस है वो पॉजिटिव जनरेट हो रही है, काफ़ी हेल्दी ईपीएस जनरेट हुई 3.67 की। और साथ साथ में ग्रॉस एनपी बात करें तो ग्रॉस एनपी इनके 11.80 एंड 5.97 हाईएस्ट थे तकरीबन मार्च 2022 में, और मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 में जो नेट एनपी और ग्रॉस एनपी काफ़ी कुछ सुधर चुके हैं। ग्रॉस एनपी 3.13 रह गए और नेट एनपी 1.55 रह गए। ग्रॉस एनपी और नेट एनपी का डिफरेंस यही होता है कि दोनों को जो माइनस करते हैं उतना कंपनी ने ऑलरेडी पार कर रखा है, मतलब प्रॉफिट पैसे को रिजर्व कर रखा है, अपने प्रॉफिट से निकाल के रखा है, तो वो जो कुछ बात होती है वो नेट एनपी पे ही होती है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो रेवेन्यू इज हाईएस्ट एवर, 1184 करोड़ का रेवेन्यू आया है इस बार। और अगर हम फाइनेंसिंग प्रॉफिट की देखें तो 3 करोड़ के पास फाइनेंसिंग प्रॉफिट आया है। यहाँ पर फाइनेंसिंग प्रॉफिट पॉजिटिव नहीं है, बट अगर हम देखें जो मार्च 2022 में 201 करोड़ लॉस में थी, और अभी कंपनी इस बार काफ़ी टर्न अराउंड स्टोरी हो चुकी है, अपने एनपीए भी काफ़ी कम हो गए हैं, डिस्बर्समेंट भी अच्छे खासे हो रहे हैं, तो कंपनी ट्रैक पर आ चुकी है। अदर इनकम भी 97 करोड़ है, तो काफ़ी हाईएस्ट एवर है। और अगर नेट प्रॉफिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर नहीं है, बट टर्न अराउंड स्टोरी है। और टर्न अराउंड स्टोरी इन द सेंस कोविड के बाद जो लोन नहीं वापस आ पाए और कंपनी ने सब कुछ अब ट्रैक पर आई है, नेट एनपी काफ़ी कुछ कम हो चुका है, ग्रॉस एनपी कम हो गया है, तो 78 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ से ये शेयर अब डबल हो सकता है विद इन नेक्स्ट ईयर, मतलब मार्च 2024 के जब तक रिजल्ट आएंगे तब तक ये डबल हो सकता है। और बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर बैलेंस शीट यहाँ पे मार्च 2022 की दी गई है, तो ऐसा जिसमें कुछ नहीं, मैंने आपको और आगे दूसरी बता दूंगा कहाँ पर है। एंड अगर आप बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ पे प्रमोटर के पास 23.30 है, एफआई की होल्डिंग कम हुई है, डीआई की होल्डिंग वहीं पर है, पब्लिक के पास 54.61% है। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न की। तो यहाँ पर मैंने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट ओपन करके रखा है, और अगर हम चार्ट में देखें तो चार्ट में ऐसा कोई पैटर्न तो नज़र नहीं आता, बट चार्ट में जो मैंने आपको जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी बताया था और साथ साथ में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का बताया, उसी तरह इसका रिवर्सल मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी नो डाउट काफ़ी अच्छी है, एंड अगर हम यहाँ से इसको लेके चलते हैं इस करंट प्राइस से, तो करंट प्राइस से अगर हम देखें तो तकरीबन ये 122% का अपसाइड नज़र आता है, और 122% का अपसाइड अगर आपको विद इन वन ईयर मिल जाए तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, और डेफिनेटली मिल भी जाएगा, बिकॉज जहाँ तक इन सब चीज़ों को समझा जाए, जहाँ तक मैंने पिछले भी वीडियो भाई कई सारे बनाए हैं, ये सब चीज़ें ऐसे ही प्ले आउट करती हैं। बिकॉज अगर आप देखें ना तो टोटल डाउन साइड कितना है यहाँ से, तो अगर हम बात करें तो ये यहाँ से मुझे अपसाइड दिख रहा है 122% का, उसका रीजन और बता देता हूँ आपको डिटेल में। एंड वन मोर थिंग इज दैट ईयर कि अगर हम इस एक क्वार्टर का इसका देखें, इसका जो मार्च 2023 के जो रिजल्ट आए 329 करोड़ में और 40 करोड़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट आया है, 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, बट कंपनी ने काफ़ी कुछ यहाँ पे प्रोविजनिंग भी की है। अगर आप यहाँ पे बैलेंस शीट देखेंगे ना
तो ये बैलेंस शीट में आपको प्रॉपर दिखेगा एंड कहाँ दिखेगा आई विल जस्ट टेल यू। एंड कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन एंड कंटिन्यू, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे लाख में लिखा है ये 10,170 लाख, अगर आप इसको करोड़ में बांट लेंगे तो 0.2 लगा देंगे तो 51 करोड़ आ जाएगा। तो प्रोविजन अदर एंड एक्सपेंस दिखाया है तो 51.47 करोड़ का इन्होंने प्रोविजन करके दिखाया है। अगर 51.47 का प्रोविजन नहीं करते तो 101 मतलब 101 करोड़ रुपये ये प्रॉफिट में होते, और अगर उसमें टैक्स के देने के बाद ही थोड़ा कम हो जाता। बट मेरे हिसाब से ये काफ़ी कुछ चीज़ें प्ले आउट कर रही हैं यहाँ पर, और ये सब ऐसे ही प्ले आउट करेंगी बिकॉज ये बैंकिंग सेक्टर है, काफ़ी ग्रो कर रहा है, साथ साथ में स्मॉल फाइनेंस बैंक हो चाहे बड़ी बैंकें हों, तो सारी बैंकें अच्छा कर रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए चैनल को एंड सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। कोई क्वेरी हो तो जरूर डालिएगा, आई विल मेक द वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। टिल देन टेक केयर सेल्फ, बाय बाय।